नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है काली मसूर की दाल। काली मसूर की दाल बनाने के अज्जा: काली मसूर की दाल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका। दाल को तड़का लगाने के अज्जा: कुकिंग ऑयल 1/4 कप, लहसुन के जवे 3 बारीक चॉप किए हुए, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। काली मसूर की दाल बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कुकिंग पैन में काली मसूर की दाल शामिल करें, उसमें 5 से 6 कप पानी शामिल करें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक हसबे ज़ायका शामिल करके दाल को अच्छे से गलने के लिए छोड़ दें। जब दाल मुकम्मल तौर पर गल जाए तो दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद उसमें चॉप्ड किया हुआ लहसुन शामिल करें। जब लहसुन हल्के से फ्राई हो जाए तो उसमें साबुत ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करें और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करके तड़का दाल में शामिल कर दें। लेकिन अगर आपने अभी बिल्कुल नई कुकिंग करना स्टार्ट की है तो आप तड़का दाल में शामिल करने के बजाय दाल को तड़के में शामिल कर दें, यानी आप किसी ऐसे पैन में दाल के लिए तड़का बनाएं जिसमें आपकी तमाम दाल पैन में मुकम्मल तौर पर आ जाए। इस तरह आप महफूज तरीके से कुकिंग कर सकते हैं। तड़का दाल में शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं, चूल्हा बंद करें और पैन कवर कर दें। आपकी मज़ेदार सी काली मसूर की दाल तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।